तो जैसे आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में लड़ाई चल रही है काला पानी लेपुलेक और लिम्पियादुरा के बारे में। नेपाल का कहना है कि काला पानी लेपुलेक और लिम्पियादुरा हमारी है। कुछ अरसा पहले नेपाल ने अपनी आर्मी को भी काला पानी पे भेज दिया था। इसके अलावा भी नेपाल आर्मी जो है वो काला पानी वाले बॉर्डर पे काफी एक्टिव है, जहां पे काला पानी लेपुलेक और लिम्पियादुरा है। इंडियन मीडिया का कहना है कि नेपाल ने वहां पे अपने कैंप बना दिए हैं। इसके अलावा इंडियन मीडिया इस बात को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि नेपाल ने काला पानी में घुस के वहां पे कैंप बनाया है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता दे कि नेपाल ने इस टाइम पे चाइना के आर्मी के साथ मिलके इंडिया के बहुत सारे इलाकों के पे कब्जा कर लिया है। अगर इन इलाकों को देखें तो तकरीबन 20 किलोमीटर तक अंदर जा चुकी है नेपाल और चाइना आर्मी। चाइना की आर्मी इंडिया में घुसने के बाद इंडिया को आंखें दिखा रही है और गुस्सा कर रही है कि भाई हम गुस्से हैं, आपने जो करना है कर सकते हैं। इंडियन आर्मी उनको काफी प्यार से बोल रही है और काफी डर डर के बोल रही है कि आप हमारे मुल्क के 20 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, आप वापसी चले जाओ। लेकिन चाइना की आर्मी का कहना है कि हम वापसी नहीं जाएंगे, जिससे इंडिया नेपाल और इंडिया चाइना के बॉर्डर पे हालात काफी कशीदा है। तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल और चाइना की आर्मी ने इन इलाकों के ऊपर कब्जा किया। कुछ अरसा पहले नेपाल ने कहा था कि हम काला पानी लेपुलेक और लिम्पियादुरा के ऊपर कब्जा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नेपाल आर्मी अकेली थी। फिर नेपाल ने गेम खेला इंडिया के साथ, नेपाल ने चाइना की आर्मी के साथ अपने मिला दिया और पहले काला पानी के एरिया पे कब्जा करने की कोशिश की, जहां पे नेपाल आर्मी ने चार इलाकों को कब्जा किया, चार गांव के ऊपर कब्जा किया। इसके बाद लेपुलेक तक जा रही थी। लेपुलेक की अभी तक अपडेट नहीं है कि वहां पे क्या कंडीशन है, लेकिन इसके आगे नेपाल और चाइना आर्मी गई हुई है। अब नेपाल और चाइना आर्मी इंडिया के 20 किलोमीटर अंदर तक जा चुकी है और वहां पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो अपनी जमीनें नहीं छोड़ता। नेपाल ने पहले 2020 में अपना मैप लॉन्च किया और मैप लॉन्च करने के बाद नेपाल ने कहा कि हमारी जमीनों के ऊपर जो भी कब्जा करेगा हम उनसे बदला लेंगे। और जिसके बाद आप सब देख सकते हैं कि पहले ग्रेटर नेपाल का नक्शा जारी किया, उसके बाद नेपाल ने इन्होंने इलाकों के ऊपर कब्जा स्टार्ट कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि नेपाल काफी एक्टिव है अपनी जमीनों को लेने के लिए। और आज आप सब देख सकते हैं कि नेपाल ने किस तरीके से चाइना की आर्मी के साथ लड़के अपने इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये सारे वो इलाके हैं जहां पे नेपाल क्लेम करता है कि इंडिया हमारे इलाकों के ऊपर कब्जा करता है। काला पानी हो चाहे लेपुलेक हो चाहे लिम्पियादुरा, आज आप देख सकते हैं कि भाई चाइना की आर्मी के साथ मिलके नेपाल 20 किलोमीटर तक अंदर जा चुकी है इंडिया। और यही चीज देख के नेपाली काफी खुश हो रहे हैं।